हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। आज जो आपके लिए एक ऐसी बाइक लेके आया हूँ जिस बाइक को आप सिटी में भी यूज़ कर पाओगे एंड हाईवे पे भी आप उसको यूज़ कर पाओगे। ऊपर से उस बाइक में जो आपको अच्छी खासी पावर मिलती है, माइलेज भी जो है वो मिलती है जो आपको चाहिए, लाइक हाई एफिशिएंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसी के साथ जो बाइक का लुक्स है, डिज़ाइन है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। सो मैं आपके लिए फाइनली आज लेके आया हूँ हीरो एक्सट्रीम 160R, जो कि आप मेरे साथ में यहाँ पे देख सकते हो। ये जो इसका स्टील एडिशन है, ब्लैक कलर, यहाँ पे जो है मेटेलिक एंड जो है मैट का पूरा जो कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा, और जो बाइक है देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए आज इसका एक वॉक अराउंड करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, कैसी पावर मिलती है, हर चीज़ के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 163 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है एंड जो पावर है लगभग 15.2 पीएस की मिल जाती है। 14 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं इसके टायर वगैरह के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे 37mm का आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे 100mm का जो फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। रियर में जो है 130mm का टायर देखने को मिलता है, और रियर में जो मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है वो जो है 7-stage एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। तो वो भी जो है काफ़ी सही है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर पाओगे। उसके बाद में ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। फ्रंट में जो आपको डिस्क मिल जाता है काफ़ी अच्छे साइज के, लाइक रियर में भी आपको जो है डिस्क मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है बाइक की, राइड करते टाइम जो मैं आपको लाइक दिखाने वाला हूँ। एंड गाइस, ये जो इंजन है ना, इसकी एक खासियत बताता हूँ आपको। ये जो है 0-60 अचीव कर लेता है 4.7 सेकंड में, मतलब अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट बाइक है ये, जो कि 0-60 4.7 सेकंड में ही जो अचीव कर लेती है। सो परफॉर्मेंस जो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी इस इंजन से। एंड गाइस, यहाँ पे जो है टैंक मिल जाता है काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के साथ में, 12 लीटर्स का जो यहाँ पे आपको टैंक मिलेगा। यहाँ पे क्या आपको ड्यूअल कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, यहाँ पे मैट ब्लैक का जो है यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो है मेटेलिक का, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हीरो का लोगो है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रीम 160R जो है लिखा हुआ है, जो कि रेड एंड जो है लाइक सिल्वर टाइप में आपको देखने मिले, जो कि ऑल्सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस, यहाँ पे जो आपको फुली LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, लाइक जो फ्रंट हेडलैम्प है वो भी पूरा LED में आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा LED में आपको देखने मिलता है, हाई बीम, लो बीम, प्लस जो है DRL आपके पे मिलेगी। उसी के साथ में जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED में मिलते हैं, लाइक जिसकी ब्राइटनेस जो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है दिन के टाइम में भी और रात के टाइम में भी। एंड पीछे की साइड में दिखाऊं तो पीछे की साइड में भी आप देख सकते हो LED टेल लाइट मिलती है आपको स्मोकी कलर में, जो कि देखने में काफ़ी सही लगती है। एंड पीछे भी जो आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके बाद में हैंडल बार पे आए तो यहाँ पे जो है आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पासिंग लाइट है, हाई बीम, लो बीम है, हैजार्ड का बटन यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक बाहर से आपको कोई लगवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर का मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है सिंगल हॉर्न। यहाँ पे जो है अपने को इंटीग्रेटेड बटन मिल जाएगा, लाइक सेल्फ का भी और जो है इग्निशन का भी, तो दोनों बटन यहाँ पे आपको एक ही बटन में देखने। बाकी जो यहाँ पे आप की देख सकते हो, प्रीमियम सी की यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है, जो कि हीरो की बाइक्स में ऐसे ही देखने को मिलती है अपने को। अभी जो है कंसोल को मैं ऑन करूँ तो यहाँ पे आपको लाइक पूरी जो है LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एंड ये जो है ना डिस्प्ले, लाइक दिन में आप राइड करोगे तो सब कुछ अच्छे से विजिबल लाइक होता है, ऐसा नहीं है कि दिन में दिखता नहीं, तो सब कुछ विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपको ऊपर की साइड में RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, यहाँ पे टाइमिंग, नीचे जो फ्यूल मीटर, यहाँ पे ओडोमीटर। एंड इसकी जो ब्राइटनेस उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइक जैसे कि मैं इस बटन को ये दबा के रखता हूँ ओडो पे, तो यहाँ पे क्या अपने पास ऑप्शन आ जाता है इसकी ब्राइटनेस को सेट करने का। तो यहाँ पे इस बटन से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, तो अभी जो है मैं 100 पे कर देता हूँ एंड देखते हैं 100 पे कितनी ब्राइटनेस है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो अपनी आ गई है। एंड जैसे मैं मोड का यहाँ पे बटन दबाऊंगा तो ये क्या है, सेट हो जाएगी यहाँ पे अगेन, तो होगी ये सेट। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में सारे बेसिक लाइक फीचर्स आपको मिलेंगे, ट्रिप AB वगैरह, ओडोमीटर वगैरह। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड जो है फीचर मिल जाता है, उसी के साथ में सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो एक और सेफ्टी फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड गाइस, यहाँ पे जो है USB चार्जर आपको मिल जाता है, तो आप जो अपने फ़ोन को लाइक राइड करते टाइम चार्ज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर कंपनी ने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है।
उसके बाद में यहाँ पे आपको गेयरबॉक्स मिल जाता अपना 5 स्पीड का, एंड जो साइड स्टैंड है ये आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ में देखने मिलेगा। लाइक यदि आपकी बाइक गियर में है और स्टैंड लग रहा है तो बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी, तो ये जो है काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है। एक ये सेफ्टी फीचर आपको मिल जाता है, दूसरा जो है ABS मिल जाता है, काफी सारे सेफ्टी फीचर्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक और सेफ्टी फीचर मिलता है, यहाँ पे आपको बैंक एंगल सेंसर मिल जाता है। उससे क्या होगा, जब आपकी बाइक गिरेगी तो बाइक जो है लाइक बंद हो जाएगी, इंजन जो है टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा इसमें एड ऑन किया गया है। यहाँ पे जो आपको सीट लाइक ऐसी लग रही होगी जैसे तो लाइक राइडर के लिए कंफर्टेबल हो, बट ऐसा नहीं है। पीछे की जो सीट है ना पिलियन की, वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, जो कुछ नहीं है वो सॉफ्ट दी गई है। तो यहाँ पे कंफर्ट जो है राइडर को भी काफी अच्छा मिलेगा और जो है पिलियन को भी, दोनों को ही। अभी पीछे की साइड में आऊं तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सटर्नल ग्रैब रेल्स। सो स्प्लिट एक्सटर्नल ग्रैब रेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल जो लुक्स एंड डिजाइन है वो भी काफी अच्छे हैं, साइड से देख लो चाहे फ्रंट से चाहे रेयर से। सो बाइक देखने में काफी जबरदस्त लगती है। सो गाइस अभी कर लेते हैं इसको राइड, सबसे पहले फर्स्ट गियर और सिटी में थोड़ा चला के देखूंगा, उसके बाद जो हम हाईवे पे चलेंगे लाइक अच्छे रोड पे, जहाँ पे हम इसका 0 to 60 चेक करेंगे कितने सेकंड में जाती है, जो कंपनी क्लेम करती है क्या उतने टाइम में जा पाती है फिर नहीं, तो वो चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए अभी फर्स्ट गियर में बाइक को उठाता हूँ। लाइक काफ़ी स्मूथ इंजन है इसका। अभी थर्ड गियर में मैं चल रहा हूँ एंड आफ्टर 50 के बाद जो है लाइक फोर्थ गियर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है यदि आपको एक स्मूथ राइड चाहिए तो। तो सिटी में क्या 50 से 60 की स्पीड में जो है काफ़ी स्मूथली बाइक को रन करा सकते हो, और जो लाइक स्टेबिलिटी वगैरह ना इसकी रोड्स पे वो काफ़ी अच्छी है। मेन तो इसकी टॉप स्पीड जब लाइक अपन चेक करेंगे, फिर हाई एंड पे अपन चेक करेंगे कि कैसी है इसकी स्टेबिलिटी। फिलहाल तक जो है बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही है, गेयरबॉक्स भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, लाइक जो गियर्स हैं वो काफ़ी स्मूथली डलते हैं। और अभी थोड़े बेकार से रोड हैं यहाँ पे, थोड़े मतलब गड्ढे वड्ढे हैं क्योंकि बारिश का मौसम, उस वजह से क्या है थोड़े से बेकार हो चुके हैं रोड, और उन पे से भी बाइक काफ़ी आराम से सॉफ्टली जो है क्रॉस करा देती है। लाइक ज़्यादा धचके मेरे को फील नहीं होते यहाँ पे, गड्ढे वगैरह झटके नहीं देती बाइक आपको, कहने का मतलब। और जिसका पिकअप वगैरह है वो भी मैं चेक करना चाहूँगा, थर्ड गियर में चेक करें तो यहाँ पे आप देखो थर्ड गियर में मैं चेक कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा पिकअप जो अपने को मिल जाता है। जो अपना मीटर है ये एडजस्टेबल ब्राइटनेस फीचर के साथ आता है, तो यहाँ पे भी आपको सारी ब्राइटनेस लाइक जो विजिबिलिटी है वो इस ब्राइटनेस की वजह से सारी डिटेल्स दिखाएगी। बाकी पावर, बाकी बाइक में पावर इतनी है कि आप आराम से ट्रैफिक को बीट करते हुए जो है निकल सकते हो, जैसे कि मैं अभी निकल रहा हूँ। उसके बाद में जो है ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी, लाइक सडनली कुछ आगे आ जाता है या फिर कोई गाड़ी वाला एकदम से ऐसे वैसे कुछ भी हो जाता है इंसिडेंट, तो इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है। लाइक सडनली जैसे मैंने ब्रेक्स यहाँ पे अप्लाई किए तो यहाँ पे क्या है ना ABS अपने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलता है, 6 जो गेयर है उसकी मेरे को अभी तक कोई नीड नहीं लगी, 5 गेयर काफ़ी है इसके लिए। इसके जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है इसका, और 75 तक भी लाइक कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं, बाइक काफ़ी स्मूथली रन कर रही है। द मेन थिंग इज़ कि बाइक के हैंडल बार में कोई वाइब्रेशन नहीं है, मेन जो वाइब्रेशन आती है वो इंजन से लाइक जो है प्रोड्यूस होती है, उसके बाद जो है हैंडल बार में अपने को फील होती है, बट वो यहाँ पे फील मेरे को नहीं हो रही है। जो रोड है उस हिसाब से इसके टायर्स की भी काफ़ी अच्छी ग्रिप यहाँ पे मेरे को लग रही है, सस्पेंशन जो है काफ़ी सॉफ्ट है, फ्रंट सस्पेंशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि झटके फील नहीं करा था, एंड रियर सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है। यदि आप फैमिली के साथ राइड करते हो तो नो प्रॉब्लम, आप जो इसको बिंदास होकर राइड कर पाओगे, पिलियन के साथ तो ये बाइक और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल होगी। बाकी अभी इसका पिकअप देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, मतलब 60 तो ऐसे ही चली जाती है यार, ये तो मैंने लाइक ढंग से रेव नहीं किया इसको, अभी आगे जाके 0 to 60 करेंगे उसमें पता चलेगा। इसकी अप शिफ्टिंग एंड डाउन शिफ्टिंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगी,
जो राइडिंग पोजीशन है वो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। मेरी हाइट 6 फीट है, उस हिसाब से जो है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड 6 फीट से ऊपर भी किसी की हाइट है, लाइक 6'2" 6'3" तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज अभी करेंगे उसका परफॉर्मेंस टेस्ट 0 to 60, 0 to 100, एंड देखेंगे उससे ऊपर जाती है तो वो भी अपन टेस्ट करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 1, 2 and 3 एंड बाइक हल्की सी ऊपर से लाइक आगे से उठी, लाइक 60 तो सीरियसली काफ़ी जल्दी जाती है ये। एंड थर्ड गियर में देखते कितनी जाती है, 89, 94 तक जो है ये टच कर गई है। ये 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लगभग 110 तक जो है हमने इसका टॉप एंड अभी टच किया है। बाकी जो है सर्विसिंग के बाद जो है बाइक की पावर और अच्छी निकल के आएगी, और फिलहाल जो है रोड इतने अच्छे नहीं थे अपने पास। बाकी रोड अच्छा हो तो यहाँ पे परफॉर्मेंस और भी बेटर आप निकाल सकते हो। बाकी यार इस कंफर्ट वगैरह के बारे में बात करूँ तो कंफर्ट तो इसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और इसका जो लाइक लुक्स वगैरह है उस हिसाब से जो इसकी राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छी दी गई है। सो बाकी यार मैं तो यही आपको बोलूँगा फाइनली कि आप लोग जो है इसकी टेस्ट राइड ले के देखो, मतलब जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो आपको पता चलेगी इसकी टेस्ट राइड लोगे तब। शोरूम पे देखने से कुछ नहीं होगा, शोरूम पे जाओ, बोलो टेस्ट राइड चाहिए, टेस्ट राइड लो अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके, एंड देन आपको पता चलेगा कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, बाइक चलने में कैसी है। स्मूथनेस जो मेरे को फ़ील हुई, पावर जो मेरे को फ़ील हुई, वो जो है आपको भी फ़ील होने वाली है। बस आपको क्या करना है, शोरूम में जाना है अपने नज़दीकी हीरो के और आपको टेस्ट राइड लेनी है। और यदि आपको बाइक अच्छी लगे तो आप उसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छी है, लाइक ज़्यादा आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली, तो वो सब चीज़ों में भी जो है हीरो लाइक काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग गाइस इसके लिए जा सकते हो। और हाँ, इसकी जो प्राइस वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये इसकी फिलहाल एक शोरूम प्राइस है, बाकी प्राइस जो है चेंज होती रहती है, तो वो आप शोरूम में जाके विजिट करो, ऑन रोड प्राइस आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। सो चलिए गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।